नमस्कार, स्वागत है आपका बिहारी न्यूज में। पंचायत चुनाव के एक नए अपडेट के साथ हाजिर हूं मैं। मेरा नाम है रत्नसेन भारती। बिहार में पंचायत चुनाव को लेकर एक बार फिर से नया अपडेट सामने आया है। इस साल होने वाले पंचायत चुनाव को लेकर चुनाव आयोग के साथ ही अब उम्मीदवार भी चुनाव की तैयारियों में पूरी तरह से जुट गए हैं। इस बार होने वाले पंचायत चुनाव को लेकर कई बड़े बदलाव हमें देखने को मिले हैं। आयोग की तरफ से बताया गया है कि इस बार का पंचायत चुनाव ईवीएम के माध्यम से कराया जाएगा। इसके साथ ही यह भी बताया गया है कि एक बूथ पर 700 से अधिक मतदाता अपने मत का प्रयोग नहीं कर सकते हैं। चुनाव आयोग की तरफ से जारी नए अपडेट में यह बताया गया है कि हर एक बूथ पर अमिट स्याही की 2 CC उपलब्ध कराई जाएगी। राज्य निर्वाचन आयोग बिहार द्वारा चुनाव में इस्तेमाल की जाने वाली अमिट स्याही जल्द ही खरीदी जाएगी। आयोग सूत्रों ने बताया कि अमिट स्याही की खरीद को लेकर निविदा जारी, यानी कि उसको लेकर जो विज्ञप्ति जारी की जाती है वो जारी की गई है। इसमें आपूर्तिकर्ताओं से प्रस्ताव आमंत्रित किए गए हैं। इसके लिए निविदा की प्रक्रिया अंतिम चरण में है। मिली जानकारी के अनुसार पंचायत चुनाव को लेकर 2,40,000 CC अमिट स्याही की खरीद की जाएगी। आपको बता दें कि प्रदेश में पंचायत चुनाव को लेकर 1,19,000 मतदान केंद्र बनाए जाएंगे। इन सभी मतदान केंद्रों पर अमिट स्याही का उपयोग किया जाएगा। इसके अलावा जिलों में भेजे जाने वाले सामग्रियों में मेटल व टैग इत्यादि की भी खरीद होगी, ताकि चुनाव के दौरान उपयोग होने वाले ईवीएम को मतदान के बाद सीलबंद किया जा सके। आयोग द्वारा चुनाव सामग्रियों को लेकर जिला प्रशासन के सहयोग से सभी बूथों का पर इसे उपलब्ध कराया जाएगा। आयोग के निर्देश पर जिलों में पंचायत चुनाव को लेकर मतदान केंद्रों के गठन की प्रक्रिया जारी है। सभी मतदान केंद्रों का भौतिक सत्यापन जिला निर्वाचन पदाधिकारी के निर्देश पर प्रखंड विकास पदाधिकारी द्वारा किया जा रहा है। इसके साथ ही इसकी जानकारी आयोग को भी दी जा रही है। आपको बता दें कि वर्तमान में बिहार पंचायत चुनाव की तारीखों का घोषणा नहीं हुई है, लेकिन चुनाव आयोग की तरफ से लगातार अपडेट जारी है और चुनाव को लेकर गांव के नुक्कड़ तक सियासत। बिहार में पंचायत चुनाव से पहले करीब 300 मुखिया और सरपंच को झटका लगा है। राज्य में नगर पंचायत और निगम के गठन को ध्यान में रखते हुए कई पंचायतों में भवन निर्माण कार्य पर रोक लगा दी गई है। बताया जा रहा है कि अब निगम और नगर पंचायत के गठन के बाद ही बाकी बचे क्षेत्रों में पंचायत भवन बनाया जाएगा। हालांकि अब यह काम पंचायत चुनाव के बाद ही होने की संभावना है। चुनाव की सरगर्मियां तेज होने के साथ ही राज्य निर्वाचन आयोग ने मुखिया के उम्मीदवारों के साथ ही सरपंच, पंच और पंचायत समिति सदस्यों के उम्मीदवारों के चुनाव चिन्ह को निर्धारित कर दिया है। मुखिया के लिए जहां 29 चुनाव सिंबल निर्धारित किए गए हैं, तो वहीं सरपंच पद के लिए उम्मीदवारों में 19 सिंबल निर्धारित किए गए हैं। वहीं अगर हम ग्राम कचहरी की और में पंचों की बात करें तो इसमें 5 सिंबल जो है निर्धारित किए गए हैं। वहीं वार्ड सदस्यों की बात करें तो इसमें भी 5 सिंबल जो है निर्धारित किए गए हैं। पंचायत समिति के लिए भी 10 सिंबल निर्धारित किए गए हैं। बिहार और बिहार में पंचायत चुनाव को लेकर और भी नए अपडेट के साथ एक बार फिर हम आपसे रूबरू होंगे। तब तक के लिए दीजिए इजाज़त। धन्यवाद।